ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि भाई आप अपने राज्य में 17 तारीख के बाद कितनी ढिलाई चाहते हैं, अपना प्रस्ताव मुझे 15 तारीख के पहले पहले भेजिए। आज 14 तारीख है, हम आज शाम तक अपना प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। सभी राज्य अपने अपने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि कहाँ कहाँ कितना कितना लॉकडाउन अलाउ करना है, दिल्ली के अंदर कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ये हमसे सुझाव मांगे केंद्र सरकार ने। मैंने तय किया कि ये सुझाव किसी एसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं होने चाहिए, जनता से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट्स से पूछना चाहिए, डॉक्टर्स से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने 5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज़्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के सुझाव आए, इनमें से कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस के बाद साथ मार्केट एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई अलग अलग तरह की। इंडस्ट्री एसोसिएशंस का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए। वैसे तो अभी फिलहाल भी इंडस्ट्रियल एरियाज खुलना अलाउड है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज अभी फिलहाल अलाउड है कि वहीं पे आसपास रहने वाले मजदूर ही अलाउड होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मजदूर तो दिल्ली में जगह जगह रहते हैं, तो दिल्ली के मजदूर अलाउड हों ऐसी व्यवस्था की जाए। लेकिन कंटेनमेंट जोन में जो रेड जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं। 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, 1.5 महीना हो गया। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफी कठिन समय है। आपके सुझावों के आधार के ऊपर आज शाम को 4 बजे एलजी साहब के साथ हमारी दिल्ली की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जो भी एक्टिविटीज़ शुरू हों एक चीज़ का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हमेशा मास्क पहन के घर से बाहर निकलना है और ख़ास तौर से अपने बुजुर्गों का, प्रेग्नेंट महिलाओं का और जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनका ख़ास तौर से ख्याल रखना है।